कोरोना महामारी की वजह से संतरा फूल टमाटर के उत्पादक किसान संकट में है। पूरी तरह लॉकडाउन रहने की वजह से खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है। यातायात सुविधाएं भी बंद है, जिस कारण माल की आवाजाही नहीं हो रही है, जिस कारण टमाटर फूल संतरा पशुओं का खाद्य बंद रहे हैं। कोरोना महामारी किसानों पर भी भारी पड़ रही है। राज्य तथा सारे देश में संचार बंदी लागू की गई है। इस संचार बंदी तथा जमावबंदी एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में अत्यावश्यक सेवा छोड़कर सब कुछ बंद किया गया। जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिए हैं। किसानों को छूट होने के बावजूद भी किसानों के पास मजदूर, यातायात वाहन, वाहन चालक आदि नहीं है। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आयोजनों पर पाबंदी के चलते फूलों की मांग नहीं है। सब्जी भाजी बागानों के लिए मजदूर नहीं, जिस कारण फूल टमाटर खेतों में ही पड़े हैं। ऐसे में किसानों पर भारी संकट आया है। लॉकडाउन हटने के बाद और सार्वजनिक, धार्मिक साथ ही पारिवारिक कार्यक्रम जब शुरू होंगे, तब किसानों को कुछ मिल सकता है। लेकिन कोरोना महामारी की घड़ी में किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रत्येक ठिकाणी अशी गर्दी राहत नाही, त्याच्यामुळे मालाची जी आवक आहे त्याच्यामुळे कस्टमर नसल्यामुळे रेट जे पाहिजे होते ते मिळत नाही। मार्केटमध्ये विकणं सुरू आहे, पण जे रेट पाहिजे होते आज 100 रुपये 120 रुपये, आज न्यायचा खर्च जवळपास न्यायचा आणि तोडण्याचा आणि दलाली हमाली जर पकडली तर 50 रुपये एका क्रेटमागे खर्च आहे, आणि 50 रुपयापासून तर 100 रुपयापर्यंत विकल्या जात आहे। मग सर्व खर्च होत जातात आणि आमची जे लागत आहे ते पण याच्यामध्ये निघत नाही आहे।